न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम 7 बजे की शुरुआत आसाराम और नारायण साईं पर आई एक नई मुसीबत से करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश भर में नारायण साईं और आसाराम के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। दोनों के भक्तों के बैंक खाते पर आयकर विभाग की नजर है और उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। सारी कवायद ये जानने के लिए की जा रही है कि इन दोनों की संपत्ति आखिर कितने हजार करोड़ की है। आसाराम और नारायण साईं की संपत्ति पर इन दिनों बहस छिड़ी है। आखिर कितने हजार करोड़ के हैं आसाराम? कोई 5,000 करोड़ कह रहा है तो कोई 10,000 करोड़। आयकर विभाग आसाराम और नारायण साईं की पूरी संपत्ति का लेखा जोखा खंगाल रहा है। अब तक की जांच में 4,000 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है। अधिकारियों के मुताबिक अगर इस संपत्ति का हिसाब किताब दस्तावेजों में नहीं मिला तो करीब 600 करोड़ रुपए तक का टैक्स लग सकता है। आयकर विभाग आसाराम और नारायण साईं के भक्तों पर लगातार छापेमारी कर रहा है। करीब 2 साल से सूरत की सेंट्रल जेल में कैद नारायण साईं को जब बुधवार को बलात्कार मामले में पेशी के लिए सूरत सेशन कोर्ट लाया गया तो सुनिए उनका क्या कहना था। लगातार जो सर्वे हो रहे हैं आपके तमाम जो संपत्ति है उसको लेकर काफी विवाद आ रहे हैं। जल्दी ऐसे चलती विवाद तो अब होते ही रहे हैं, लेकिन लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना सत्य हूँ। नारायण साईं खुद को सही बता रहे हैं, लेकिन ये बात आपको भी याद होगी कि अहमदाबाद के एक फ्लैट से करीब 42 बोरे दस्तावेज मिले थे। शुरुआती जांच में आसाराम और नारायण साईं की करीब 9 से 10 हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति के सबूत मिले थे। हालांकि इसकी प्राथमिक जांच के बाद से जांच का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संभाल लिया है। इसी सिलसिले में आयकर विभाग ने देश के तकरीबन 70 ठिकानों पर आसाराम और नारायण से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की। दोनों पिता पुत्र ने करीब 5,000 करोड़ रुपए बाजार में ब्याज पर चढ़ा रखे हैं। ये पैसा 10 से 15% की दर से ब्याज पर दिया जाता है। हर साल करीब 500 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज से आते हैं। उधर नारायण की पत्नी जानकी अपने भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग के लिए दर दर भटक रही है। नारायण से जब उनकी पत्नी के मुआवजे का सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि वो सबका भला करेगा। सही, आपकी पत्नी ने तो कोर्ट में दाखिल किया है, मुआवजे की मांग की है, उसको लेकर क्या किया? देंगे, हमने तो आज तक किसी का अहित किया नहीं, अमंगल किया नहीं, और मेरे खून में किसी का अहित करना अमंगल करना नहीं। देश भर में नारायण साईं और आसाराम की संपत्तियों की जांच से जुड़े दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं। केवल भोपाल से दस्तावेजों के आने का इंतजार है। इस दौरान ये खुलासा हुआ है कि दोनों ने करीब 200 करोड़ रुपए के दस्तावेज करीबियों और साधकों के पास छिपा रखे थे। आनंद पाठक, सूरत, इंडिया न्यूज़।